करोति वाचालं अंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दवान्। तो शुरू करें। पिछली परिभाषा हम लोग पूरी पढ़े थे, व्यपदेशीवद एकस्मिन्, क्या पढ़े थे उसमें हमने केवल तीन मतों की चर्चा की थी। क्या चर्चा हुई थी आपसे? तीन मत हैं, कौन कौन? एक सूत्रकार का मत है, एक वार्तिककार का मत है, एक भाष्यकार का मत है। तो सूत्रकार के अनुसार अकेला जब रहेगा और तो वो अपना अंत और आदि नहीं हो सकता है, लेकिन घटक और घटित हो सकता है, लेकिन आदित्व और अंतत्व नहीं हो सकता है एक में। इसलिए पाणिनि को क्या करना पड़ा? आद्यंतवद एकस्मिन्, इस सूत्र का आरंभ करना पड़ा। ठीक है, ये बात हुई थी। वार्तिककार कहते हैं कि जो एक रहता है वो अपना घटक भी होता है, स्वयं से घटित भी होता है, आदि भी हो सकता है, अंत भी हो सकता है, इसलिए सूत्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए उन्होंने सूत्र को हटा दिया। ठीक है, अच्छा। भाष्यकार ने कहा कि दोनों स्थूलदर्शी हैं। क्या है? क्यों? इसलिए है कि जब एक रहेगा तो उसमें घटकत्व और घटितत्व नहीं रह सकता है। क्या नहीं रह सकता है? घटकत्व और घटितत्व नहीं रह सकता है। ठीक, तो इसके लिए यद्यपि देखो घटकत्व और घटितत्व नहीं है तो आदि अंत भी नहीं हो सकता है, लेकिन पाणिनि ने चूंकि सूत्र बना दिया है आद्यंतवद एकस्मिन् तो आदि और अंत वाला व्यवहार तो चल सकता है कथनचित, लेकिन इयाय इत्यादि में जहां क्या करना है हमको, घटित मानना है एक को। क्या मानना है? वो घटितत्व व्यवहार में दिक्कत आएगी। उसी तरह से दुख इत्यादि में क्या मानना है? घटक मानना है, तो वहां भी दिक्कत आएगी। इसलिए उन्होंने सामान्य परिभाषा बना दिया, कौन? व्यपदेशीवद एकस्मिन्, असहाय में व्यपदेशीवद होता है। तो जब होता है तो घटकत्व भी आ गया, घटितत्व भी आ गया, आदित्व भी आ गया, अंतत्व भी आ गया, तो इसके लिए सूत्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सामान्य परिभाषा मानना चाहिए जो सबके लिए काम करेगी, ये भाष्यकार का मत है। ये तो सामान्यतः संदेह नहीं इसमें। क्या क्या पाणिनि के यहां? एक में घटकत्व घटितत्व रह सकता है, लेकिन क्या नहीं रह सकता है? उसके लिए क्या किया उन्होंने? और वार्तिककार के यहां घटकत्व घटितत्व की तरह आदित्व अंतत्व भी रह सकता है, तो सूत्र बनाने कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सब काम चल जाएगा। भाष्यकार के यहां नहीं, आदित्व और अंतत्व हो नहीं सकता है, उनके यहां तो घटकत्व घटितत्व ही नहीं रहेगा। क्या नहीं रहता है? और आदित्व और अंतत्व भी नहीं रहेगा। बस जब घटकत्व और घटितत्व नहीं जाएगा तो आदित्व और अंतत्व भी नहीं जाएगा, लेकिन क्योंकि आदि और अंत के लिए सूत्र पाणिनि ने बनाया है वहां तो काम चल जाएगा, लेकिन इयाय में काम, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको? परिभाषा माननी पड़ेगी। और जब परिभाषा माना तो इसी से क्या होगा? आदि और अंत में भी काम चल जाएगा, फिर सूत्र बनाने की आवश्यकता, क्योंकि ये परिभाषा व्यापक है ना, तो इस परिभाषा में ही सूत्र क्या हो गया? समाहित हो गया, अलग से सूत्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये बात समझ में आ गई आपको? अब अपनी अपनी किताब खोल लीजिए, ये भूति टीका, इसमें कुछ चीजें हैं जो आपके जानने के लायक है, जो मैंने कही है उसी को ये परिष्कार रूप में कहेंगे। परिष्कार इसलिए नहीं पढ़ाना है आदि अंत के लिए, हमको घटकत्व और घटितत्व सिखाना है। क्या चीज है? सूत्रकार और वार्तिककार के यहां समान घटकत्व घटितत्व है, ये भी ध्यान रखिए। क्या है? घटक समझते हैं ना, अवयवत्व, और घटित मतलब अवयवी। तो घटकत्व और घटितत्व माने अवयवत्व और अवयवित्व सूत्रकार और वार्तिककार के यहां समान है, आदि अंत के लक्षण में दोनों के यहां अंतर है।
और भाष्यकार के यहां घटकत्व और घटितत्व क्या है, इनसे भिन्न है। बात समझ में आई? तो क्या चीज है ये हम सब पढ़ेंगे, इसको देखेंगे आज। सबसे पहले आदि और अंत क्या चीज है, आदि का लक्षण कोई बताएगा इसमें? आदि किसको कहते हैं, भाष्य में क्या कहा गया है? यस्य पूर्वम नास्ति परम चास्ति सादि रीति उच्यते समान। ठीक है, और यस्य परम अस्ति पूर्वम नास्ति, ये तो आदि हो गया। यस्य पूर्वम अस्ति परम च नास्ति तत् अंत इति उच्यते। ये लक्षण पर कभी गौर किए हैं, किसका लक्षण है, किसके अनुसार है ये वार्तिककार शायद वहां पर कहते हैं। वार्तिककार के अनुसार है, किसके अनुसार है ये, मतलब पूरा तो ध्यान नहीं है। वार्तिककार के बिल्कुल नहीं है ये, आप गौर करिए। ये आदि कहां जाएगा, जहां दो रहेंगे, माने जिसके पूर्व में हो और पर में न हो वो अंत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जिसके पूर्व में हो और पर में, तो अंत कहलाने के लिए पूर्व में क्या होना चाहिए किसी को? तो अकेला जहां रहेगा वहां अंत व्यवहार होगा। अच्छा, आदि किसको कहते हैं? जिसके पर में हो पूर्व में न हो। तो किसके यहां लक्षण है? सूत्रकार के यहां है। इसलिए जहां अकेला रहेगा वो न आदि बन सकता है और न ही अंत बन सकता है। उसके लिए पाणिनि को क्या करना पड़ा? अतिदेश के लिए सूत्र बनाना पड़ा। वार्तिककार के यहां क्या होगा? आदि किसको कहेंगे? यस्मात् पूर्वो नास्ति, बस इतना ही। जिसके पहले कोई ना हो क्या होता है, और यस्मात् परो नास्ति स अंतः। यह अकेला में चला जाएगा कि नहीं स्वामी जी? चला जाएगा। पूर्व और पर हटा देंगे तो एक में भी यह चला जाएगा, इसलिए आदि और अंत एक में व्यवहार हो सकता है। बात समझ में आई? क्या नाम है श्रुति, बोलो क्या समझे? क्योंकि इसको समझ लो तो यही चीज परिष्कार में कही गई है। के मत में जिससे पूर्व कुछ भी नहीं है वही आदि है, पर में हो या ना हो इसकी कोई कोई मतलब नहीं है, और जिसके पर में कुछ जिसके पर में कुछ नहीं है वो क्या है? वो अंत है। अंत है, तो एक में चला जाएगा कि नहीं जी? एक में भी व्यवहार कर क्या चला जाएगा। सूत्रकार के यहां क्या है? सूत्रकार के यहां यस्मात् पूर्वस्मिन् सति परो नास्ति, पूर्व में रहना जरूरी है तब अंत व्यवहार होगा, होगा ना अंत आदि के लिए। तो अकेला जहां रहेगा एक अ, वो आदि अंत अपना नहीं बन सकता है, इसके लिए सूत्र बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसी चीज को परिष्कार में कैसे कहा जाता है, अब थोड़ी थोड़ी आदत ये भी डाली है। ये बात जो समझ गए ना, ये भी समझ में आ जाएगा। बोलिए क्या है, देखिए। अयम भाव स्वघटकत्व, स्वघटक पूर्वत्वाभावत्व, स्वघटको उत्तरत्व, एतत्त्रितय संबंधेन स्वविशिष्टत्व स्वनिरूपितांतत्व। ये कभी पढ़ा था इस तरह से? अब कुछ चीजें समझिए। ये अंत और आदि और मध्य, ये किसका होता है, किस चीज का अंत होता है? अंत मतलब समाप्ति नहीं, अंतावयव, आदि अवयव और मध्यावयव, ये किस चीज का होता है? समुदाय का होता है। ठीक, मतलब कोई यदि अंत है माने अंतावयव है तो उसमें क्या धर्म रहेगा? अंतावयवत्व। क्या धर्म रहेगा? वो किससे निरूपित होगा? समुदाय से निरूपित होगा, क्योंकि जब समुदाय बनेगा तभी उसका अंतावयव बनेगा और उसका आदि अवयव बनेगा और मध्यावयव बनेगा। क्या क्या बनेगा बोलिए? कब बनेगा ये? जब समुदाय होगा तभी बनेगा। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए अब कहते हैं कि स्वविशिष्टत्वम स्वांतत्वम। क्या कहेंगे? ये कोई कठिन चीज नहीं है। स्व से जो विशिष्ट होगा वो स्व का अंतावयव होगा। क्या कहा हमने? स्व मतलब समुदाय, जिस समुदाय से जो विशिष्ट हो जाएगा वो समुदाय का क्या होगा? अंतावयव होगा। बोलिए इसको बार बार, स्वविशिष्टत्वम स्वांतत्वम या स्वनिरूपितांतत्वम। क्या बोलिए? एक ही चीज है ना, माने उस समुदाय का अंत वही कहलाएगा
जो समुदाय से क्या होगा, विशिष्ट होगा। क्या होगा जो? अब कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। एक शब्द कोई लीजिए, जैसे हमने घट शब्द पकड़ा, क्या पकड़ा? ये वर्णों का समूह है कि नहीं? इसमें कौन कौन से वर्ण हैं? घ अ ट अ, चार वर्ण हैं। इन चार वर्णों के मिलने से क्या बना है? घट। तो इस घट शब्द का अंतावयव कौन है? वो अ अंतावयव क्यों कहलाया? क्योंकि घट शब्द से विशिष्ट है। क्या है वो? तो जो घट से विशिष्ट होगा वो घट शब्द का क्या होगा? अंतावयव होगा। क्या कहेंगे? विशिष्ट मतलब क्या बतलाया था हमने? विशिष्ट का मतलब होता है संबद्ध। क्या मतलब होता है? तो ऐसे जगहों पर परिष्कारों में क्या होता है, जब भी विशिष्ट कोई ग्रंथकार देते हैं तो उसमें संबंध निश्चित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कि इन्हीं संबंधों से विशिष्ट करना है। क्या करना है? तो घट शब्द से विशिष्ट किसको करना है? अ को। मतलब ये मान के चलिए कि घट शब्द से विशिष्ट कौन है? अ है। इसलिए वो घट शब्द का क्या है? बोलो इस चीज को। घट का अ क्या है? घट शब्द से विशिष्ट है, इसलिए क्या है उसका वो? अब वैशिष्ट के नियामक संबंध निश्चित करना होता है। वैशिष्ट्यंच त्रितय संबंधेन। कितना संबंध दिया इन्होंने? तीन संबंध दे रहे हैं। देखिए तीनों संबंध कहां जाना चाहिए? अ में जाना चाहिए। माने तीन संबंध से घट शब्द को कहां बैठना चाहिए? अ में बैठना चाहिए। यदि बैठ गया तो अ क्या है उसका? अंतावयव है। आ तीन संबंध से घट शब्द घकार में, आकार में, टकार में, इसलिए वो अंतावयव नहीं है। क्या कहेंगे बोलिए इस चीज को। अब ये भी धीरे धीरे आदत डालिए, थोड़ा थोड़ा इसको भी परिष्कार पद्धति भी जानना है। इसे घबराइएगा नहीं, थोड़ा आरंभ में से लगेगा फिर, लेकिन घटाने लगे तो आनंद आने लगेगा आपको। अभी देखिए जो चीज आप जानते हैं वही चीज इसके अंदर है, कोई बाकी कहीं से नहीं लाना है। आप बोलिए क्या क्या समझे? तीन संबंधों से अगर अकार है, घट घट समुदाय अर्थात घट शब्द यदि अकार में है, संबंधों से बैठ रहा है अर्थात उससे वो विशेष विशिष्ट हो गया आकार जी, इसका मतलब घट शब्द का क्या है वो? अंतावयव है। और बाकी में नहीं, अगर घ और ट में घट शब्द तीन संबंधों से नहीं जाता, एक संबंध से बैठेगा, दो संबंध से भी बैठ सकता है लेकिन तीनों संबंधों से, इसलिए अंतावयव वो सब नहीं होते। कौन होता अंतावयव? बस अब इतना समझ गए तो बाकी सरल है बिल्कुल। अच्छा एक चीज और जान लीजिए, जिसको जहां ले जाना होता है क्या करना होता है? तो स्व शब्द से उसी को पकड़ते हैं। किसको कहां ले जाना है हमको? अ में ले जाना है तो स्व शब्द से किसको पकड़ेंगे? तो जब जब संबंध में स्व शब्द आएगा, स्वम घट शब्द, स्वम घट शब्द, स्वम घट शब्द, ये भी क्लियर हो गई बात? जिसको ले जा करके बैठाना होता है उसी को क्या करते हैं हम? स्व शब्द से पकड़ते हैं। अ में किसको बैठाना है ले जा करके? तो स्व से किसको लेंगे? घट शब्द को पकड़ेंगे। ठीक है अब चलिए वैशिष्ट देखिए क्या क्या है इसमें। वैशिष्ट्यंच सबसे पहले स्व घटकत्व। क्या संबंध है पहला? स्व घटक पूर्वत्वा भाववत्व। और तीसरा क्या है? स्व घटको उत्तरत्व। एतत् तृतीय संबंधेन। अब घटाओ, घट शब्द के घटक कौन कौन है? घ अ ट अ। स्वामी जी देखिए घट शब्द के चारों घटक हैं, तो चारों घटक है तो अभी घटक है कि नहीं? तो स्वम स्वम घट शब्द तद घटक कौन हुआ? आ घटकत्वम अकारे। तो पहला संबंध है स्व घटकत्व। इस स्व घटकत्व संबंध से घट शब्द कहां जाके बैठ गया? लेकिन इस संबंध से क्या है? ये चारों में बैठा है, सब में बैठा है ना, इसलिए अगला संबंध दे दिया। अगला संबंध क्या? देखो स्व घटक पूर्वत्वा भाववत्व। क्या दे दिया इन्होंने? चलो देखो अब जैसे क्या है, घ है, अ है, ट है, स्व घटक से पकड़ लिया हमने अंतिम अ को। किसको पकड़ लिया?
उससे पूर्व कौन है? त, उसमें क्या जाएगा? पूर्वत्व जाएगा, पूर्वत्वाभाव जाएगा क्या? अच्छा, उसी तरह से घट के घ को देखो तो भी क्या होगा? स्व घटक से किसको पकड़ लेंगे हम? अक, उससे क्या है? उसमें पूर्वत्व ही है, पूर्वत्वाभाव नहीं है। ऐसा पूर्वत्वाभाव कहां जाएगा अकेला? क्योंकि घट के आकार के बाद उसका कोई घटक नहीं है, आगे कोई नहीं बैठा है, तो स्व घटक पूर्वत्वाभावत्व किसमें जाएगा केवल? बात समझ में आई सुजी? क्या एक कह रहे हैं कि घट शब्द के कोई भी घटक पकड़िए इच्छा से, आप क्या करिए? तो आप पकड़िए एक कोई घटक पकड़िए, किस अ को पकड़ा आपने? तकार उत्तर वृत्ति अकार को, उससे पूर्वत्व किसमें है? ट में। स्व घटक से ट को यदि पकड़ेंगे तो पूर्वत्व किसमें है? अ में। स्व घटक से अ को पकड़ा तो पूर्वत्व किसमें है? तो स्व घटक पूर्वत्व ही है तीनों में, किसमें किसमें? घ और ट में। लेकिन लास्ट वाला जो अ है उस अ में स्व घटक पूर्वत्व है क्या? क्यों नहीं है स्व घटक पूर्वत्व? क्योंकि उसके बाद कोई घटक उसका है नहीं। बात समझ में आई? क्या समझी? तो इसीलिए पूर्वत्व किसमें रहेगा? स्व घटक पूर्वत्व, कोई पूर्वत्व अन्य का पूर्वत्व नहीं चाहिए हमें। घट शब्द के अंदर जितने घटक हैं उनका पूर्वत्व कहां कहां रहेगा? घ में रहेगा, अ में रहेगा, ट में रहेगा, लेकिन अ में घट शब्द घटक पूर्वत्व नहीं रहेगा, तो क्या रहेगा फिर? पूर्वत्वा भाववत्व चला जाएगा। तो अ में दो संबंध चले गए, क्या क्या? अस्व घटक पूर्वत्वा भाववत्व। लेकिन सूत्रकार कहते हैं इतना ही पर्याप्त नहीं है, एक और चीज चाहिए। क्या चाहिए? स्व घटकावधिको उत्तरत्व। क्या चाहिए उसमें? स्व घटकावधिक उत्तरत्व भी है कि नहीं? हमें है कि नहीं? स्व घटक से किसको पकड़ेंगे? त को। तदवधिक उत्तर है कि नहीं? हो, उत्तरत्व भी चाहिए। तो इस अब ये देखिए, घट शब्द को पकड़ा, स्व मतलब ये तीन संबंध से अ में बैठा है कि नहीं? कैसे बैठ गया? स्व घटकत्व, स्व घटक पूर्वत्वाभावत्व और स्व घटकावधिको उत्तरत्व, एतत् त्रितय संबंधेन घट शब्द कहां जाके बैठ गया? आकार में बैठ गया। इसलिए अ क्या होगा उसका? और घट का घ अंतावयव क्यों नहीं होगा? कोई पूछे तो क्या कहोगे? क्या क्या नहीं है उसमें? स्व घटकत्व तो चला जाएगा, लेकिन स्व घटकावधिक पूर्वत्वा भावत्व क्या है उसमें? पूर्वत्व ही है। और क्या है साथ में? अस्व घटकावधि को उत्तरत्व भी नहीं है, इसलिए घ क्या होगा? और विचार करो ट में क्या है? ट को देखो, स्व घटकत्व है लेकिन अस्व घटकावधिक उत्तरत्व भी है कि नहीं उसमें? लेकिन क्या नहीं है? भाव नहीं है, पूर्वत्व ही बैठा है। इसलिए देखो लक्षण का यही एक लाभ होता है, ये लक्षण ठीक ठीक वहीं जाके बैठेगा। और यस्मिन तस्मिन अब कहने की कोई जरूरत नहीं, इसमें सीधा कहिए स्व विशिष्टत्वम स्व निरूपितान तत्वम वैशिष्ट्यंच स्व घटकत्व स्व घटकावधिक पूर्वत्वाभावत्व स्व घटकावधिको उत्तरत्व एतत् त्रितय संबंधेन स्व विशिष्टत्वम स्वांतत्वम। लक्षण इतना ही है। लक्षण कितना है? स्व विशिष्टत्वम स्वनिरूपितान तत्वम या स्वांतत्वम। अब जब पूछा जाएगा वैशिष्ट्यंच केन संबंधेन, तो तीन संबंध लगा के देना। श्रुति बोलो तो क्या समझे? इस भाषा को भी सीखो। इस भाषा का लाभ क्या है? कम शब्दों में अधिक से अधिक भाव रखता है। अब आपको इतनी चीज कहने की जरूरत नहीं है कि घ आदि अवयव क्यों नहीं है, ट घ अंतावयव क्यों नहीं है, ट अंतावयव क्यों नहीं है, ये अलग अलग एक्सप्लेन बहुत करने की जरूरत नहीं आपको। इतने में ही सब कुछ आ जाएगा। आप इसकी व्याख्या देखेंगे, सब कुछ इसके अंदर निहित है। अलग कुछ भी कहने की जरूरत नहीं आपको, उस परिष्कार अपने आप सारा चीज व्यक्त करेगा। ठीक है, यही एक लाभ होता है। बोलो, घट शब्द का जो आकार है वो अंतावयव है, इसको बताने के लिए घट शब्द को में आकार को तीन संबंध से देखना है। स्व घटकत्व संबंध से, स्व घटक पूर्वत्वा भाववत्व संबंध से,
और स्वघटका घटक अवधि अवधि को उत्तरत्व संबंध से, जिसमें ये तीनों घट जाएंगे वो उसका अंतव्यय हो जाएगा। बिल्कुल, आकार में ये तीनों घटते हैं, वो उस घट शब्द का घटक भी है, अवयव भी है आकार, और वो उसमें पूर्ववत्व का अभाव है क्योंकि उसके बाद में कोई वर्ण नहीं है, और वो स्व का पूर्वत्व नहीं है उसमें, पूर्वत्व अभाव है। आकार में घटक का पूर्वत्व अभाव है, और उसमें स्वघटक अवधि को उत्तरत्व भी नहीं है। नहीं है कि है? स्वघटक अवधि को उत्तरत्व उसमें विद्यमान है, उसका जो घटक है उसका उत्तरत्व उसमें वर्तमान है, टकार से उत्तरवर्ती पकड़ लेंगे, टकार को, और तदवधि को उत्तरत्व भी है जी। तो इस इन तीनों संबंधों से आकार जो है वो घट का अंतावयव है। ठीक है ब्रह्मचारी जी, पीछे बैठे हैं, बात समझ में आ गई है? दिख रहा है ये बिल्कुल? इसलिए सिखा रहा हूं कि ये कठिनाई नहीं है, छोटा परिष्कार है, परिष्कारों की दुनिया के सबसे छोटे छोटे चीजें हैं। अभी इतने लंबे लंबे मिलेंगे आपको कि 10-10 वैशिष्ट उसके अंदर रहेंगे, लेकिन आप इसको आदत में डालिए, धीरे धीरे आदत में डालते जाएंगे, ये कोई कठिन चीज नहीं होता है, वो ग्रंथ की अपेक्षा सरल होता है। अब आप थोड़ा थोड़ा घटकत्व तो समझने लगे हैं, प्रकारता समझने लगे हैं, ये आ जाएगा, अभी कठिनाई नहीं होगी, आदत इसको डालते। इसके लिए न्याय बहुत जानना जरूरी नहीं है, ये जो व्याकरण के परिष्कार होते हैं ना, थोड़ा जो न्याय आप जान गए हैं उतने में अपने आप ये न्याय सिखाता चलेगा आपको, जहां जहां जगह आएगी आपको खुद अपने आप न्याय की चीजें लाएगा उसमें। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये समझ गए आप? अब विचार करना, अब चलो एक विचार करते हैं स्वामी जी। जहां अ है, अ में देखो घटाओ, अ का अंतावयव होगा कि नहीं, होगा कि नहीं? घटाओ अभी परिष्कार के अनुसार देखो, अ स्व स्व का घटक होता है मान लिया हमने, क्यों होता आगे बताएंगे, नीचे टिप्पणी पड़ेंगे तब, इतना मान के चलो। अ अ का अंतावयव है कि नहीं, घटाओ इसको, तीनों संबंध ले जाओ, चला गया स्व घटकत तो चला गया, और भाव भी चला गया, चला जाएगा कि नहीं? अच्छा, क्या नहीं जाएगा इसमें? तो यही संबंध पाणिनी के यहां नहीं जा रहा है, इसी संबंध का अतिदेश करने के लिए पाणिनी को क्या बनाना पड़ा है, सूत्र बनाना पड़ा है। अंतत्व के लक्षण में तीन संबंध है, क्या क्या है? स्वघटकत्व, स्वघटकावधिक पूर्वत्वाभावत्व, ये दो चीज तो है, लेकिन तीसरा जो एक संबंध है वैशिष्ट नियामक, वो एक में इस संबंध के अतिदेश के लिए पाणिनी को क्या करना पड़ा, सूत्र बनाना पड़ा। और भारतीकर क्या चलाकी करेंगे, उनके यहां थोड़ा सा यही कर दो, उनके यहां अंतत्व क्या है, बस तीसरा वैशिष्ट हटा देंगे, रखेंगे ही नहीं, क्या करेंगे उसको, क्या करेंगे, स्वविशिष्टत्व स्वांतत्व वैशिष्टेंच स्वघटकत्व स्वघटकावधिक पूर्वत्वाभावत्व, चला जाएगा कि नहीं, अकेले में जाएगा कि नहीं? तो इसलिए भारतीकर को सूत्र बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बात समझ में आ गई? क्या बताइए, क्या समझे? हाँ, स्वघटकावधिको उत्तरत्व माने स्वांतत्व के लक्षण में तीन संबंध में से केवल क्या मानते हैं, दो मानते हैं, तीसरे को क्या हटा देते हैं, स्वघटकावधिको उत्तरत्व, आदि के लक्षण से क्या हटा देते हैं, पूर्वत्व हटा। इसलिए भारतीकार ने एक भारतीक वहां आया ना, देखिए अपूर्वानुत्तर लक्षणत्वात् आद्यन्तयो, तो जो वहां सामान्य भाषा में कही गई है उसी को परिष्कार में डाल दिया, पूर्वत्व और उत्तरत्व हटा देंगे, केवल दो ही वैशिष्ट रखेंगे, क्या रखेंगे, तो जहां अकेला है वहां भी आदि और अंत का लक्षण चला जाएगा, चला जाएगा ना ब्रह्मचारी? पढ़िए, अब आगे चलते हैं। अयम भाव स्वघटकत्व स्वघटक पूर्वत्वाभावत्व स्वघटको उत्तरत्व एतत्त्रितय संबंधेन स्वविशिष्टत्वम स्वनिरूपितांतत्वम, ठीक है, एवंच स्वघटकत्व स्वघटकोत्तरत्वाभावत्व स्वघटक पूर्वत्व एतत्त्रितय संबंधेन स्वविशिष्टत्वम स्वादित्वम, आदि का लक्षण क्या बनाएंगे, स्वघटकत्व चला गया एक, और क्या बनाएंगे, स्वघटकावधिक उत्तरत्वाभावत्व और स्वघटकावधिक पूर्वत्व, घट शब्द के घ में है कि नहीं, देखो जाएगा कि नहीं, घ में जाएगा कि नहीं, जाएगा, कैसे जाएगा,
स्वघटकत्व चला गया, और स्वघटकावधिक उत्तरत्वाभाव भी है, क्योंकि घट शब्द का अवयव कोई घ के पहले रहता तब तो उत्तरत्व जाता, और उसके पहले कोई घटक है नहीं, तो घटकावधिक उत्तरत्वाभाव भी चला गया, चला गया ना। और स्वघटक से किसको पकड़ लेंगे, घ, घ के बाद जो अ, तदवधिक पूर्वत्व भी चला गया, तो स्वघटकत्व, स्वघटकावधिक उत्तरत्वाभावत्व और साथ में स्वघटकावधिक पूर्वत्व, एतत्त्रितय संबंधेन घट शब्द का वैशिष्ट कहां चला गया, घकार में, इसलिए क्या होगा, वो आदि होगा, बन जाएगा कि नहीं, बनाओ। अच्छे, ट में क्यों नहीं जाएगा ये, बाकी में क्यों नहीं जाएगा, मान ली घ के बाद अ है, अ में क्यों नहीं गया ये, अ में क्या क्या है, स्वघटकत्व चला गया और उत्तरत्व ही चला जाएगा, उत्तरत्वाभाव उसमें, और आदि कौन कौन कहलाता है, स्वघटकावधिक उत्तरत्व जिसमें न हो, तो ऐसा कौन मिलेगा, अकेला घ ही मिलेगा, और ऐसा नहीं होगा, बाकी कोई नहीं होंगे इसे, ठीक है। तो ये आदि और अंत का लक्षण है, किसके अनुसार, पाणिनी के अनुसार, मतलब अंत के लक्षण में उन्होंने क्या दे दिया, स्वावधिको उत्तरत्व, और आदि के लक्षण में क्या दे दिया, स्वावधिक पूर्वत्व, एक एक संबंध डाल दिए हैं। ये डालने से क्या दिक्कत आई, कि जहां अकेला असहाय रहेगा वहां स्वावधिक उत्तरत्व भी स्व में नहीं जाएगा, और स्वावधिक, तो ये अतिदेश करने के लिए क्या करना होगा, हमें सूत्र बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, वही कह रहे। चले आगे, एवं स्वघटकत्व, स्वघटकोत्तरत्वाभावत्व, स्वघटक पूर्वत्व, एतत्त्रितय संबंधेन स्वविशिष्टत्वं स्वादित्वं इति आद्यंत पदार्थयोः स्वीकरणीयतया, ये मानना पड़ेगा आपको, मानना पड़ेगा ना। तो इह इत्यादौ, देखो इह में क्या करना है हमको, अदंत बनाना है उसको, क्या करना है उसको, क्यों बनाना है, और जो है ना, और से क्या करना है हमको, ई लाना है, अदंत मान करके बनेगा वो, और स्वयं का अंत क्यों नहीं, अंत क्यों नहीं बन सकता है वो, क्या नहीं है उसमें, स्वघटकत्व भी है और उत्तरत्व का अभाव है, इसलिए पाणिनी को क्या बनाना पड़ा, सूत्र बनाना पड़ा। उसी तरह से देखो, जब ई बन गया तो ई में हमको स्वर करना है, क्या करना है हमको, उदात करना है, किसके द्वारा, किसे, या आद्युदात्तस्य करें, प्रत्यय स्वर करना, प्रत्यय को केवल जो है, तो प्रत्यय का आदि बनाना है ई को, आ क्या है वहां पर, वो अकेला है, तो ई ई का आदि होगा, क्यों नहीं होगा, स्वघटकत्व तो जाएगा, स्वघटकावधि को उत्तरत्वाभाव भी चला जाएगा, क्या नहीं जाएगा, पूर्वत्व तो नहीं जाएगा। तो ये पूर्वत्व अतिदेश करने के लिए क्या करना होगा, पाणिनी को आद्यंतवद एकस्मिन सूत्र बनाना पड़ेगा, अंत के लक्षण में उत्तरत्व ले जाने के लिए और आदि में पूर्वत्व ले जाने के लिए आद्यंतवद एकस्मिन पाणिनी ने सूत्र बनाया, ठीक, बात समझ में आई। चलिए, इह इत्यादौ अदंत प्रातिपदिकत्वाभावात् प्रत्यादित्वाभावाच्च इय स्वराद्यनापत्ति इत्यभिप्रेत्य सूत्रकार पाणिनी आद्यंतवद एकस्मिन् इति सूत्रयांचकार, इसलिए पाणिनी ने क्या किया, सूत्रयांचकार, इस तरह का सूत्र बनाया। कितना बढ़िया प्रयोग करते हैं लोग, टीकाकार ग्रंथकार लोग जो होते हैं बहुत कम शब्दों में बहुत बातें कहते हैं, ये इनकी खासियत होती है, ठीक है। चले आगे, अब देखो, वार्तिककारस्तु आद्यंत पदार्थयोः पूर्वत्व परत्वे अनिवेश्य, वार्तिककार क्या करते हैं, स्वांतत्व नाम उनके यहां स्वविशिष्टत्व वैशिष्ट्यंच स्वघटकत्व स्वघटकावधिक पूर्वत्वाभावत्व, इतना ही बस। और स्वादित्व क्या चीज है उनके यहां, स्वविशिष्टत्व स्वनिरूपित आदित्व वैशिष्ट्यंच स्वघटकत्व स्वघटकावधिक उत्तरत्वाभावत्व, बस इतना ही देंगे। ये अकेले में चला जाएगा कि नहीं,
जब चला जाएगा अपने आप आराम से जा रहा है, तो उसके लिए सूत्र बनाने का श्रम करना आवश्यक नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया सूत्र का, सूत्रम प्रत्याचख्यौ, सूत्र का क्या कर दिया उन्होंने, खंडन कर, वही कह रहे हैं वार्तिककारस्तु आद्यंत पदार्थयोः पूर्वत्व परत्वे अनिवेश्य इह इत्यादौ आद्यंतयोः क्या है आस्तेन, आस्तेन का मतलब है सारल्येन, माने बिना प्रयास के ही निर्वाहे आद्यंतवद इति सूत्रम प्रत्याचख्यौः, क्योंकि कहा उन्होंने वहां प्रभाष्य में अपूर्वानुत्तर लक्षणत्वात् आद्यंतयोः सिद्धम एकस्मिन् इति वार्तिक निरूपणेन, बात समझ में आई, एकस्मिन् माने असहाय में भी आदित्व और अंतत्व हो सकता है, क्यों, क्योंकि आदि अंत कैसा होता है, अपूर्वानुत्तर लक्षण होता है, माने उसको किसी के पूर्व में होना जरूरी नहीं है और अंत होने के लिए किसी के उत्तर में होना जरूरी नहीं है, तो जहां अकेला है वो अपना क्या बन सकता है, आदि भी बन सकता है और क्या बन सकता है साथ में हो, इसलिए सूत्र का क्या किया उन्होंने, ये बात समझ में आ गई। तब पाणिनि ने सूत्र क्यों बनाया, आप लोग बताओ, अब पाणिनि ने सूत्र क्यों बनाया, क्या ले जाने के लिए, क्या अतिदेश करना था उनको, तीन तीन संबंधों में से क्या संबंध ले जाना था उनको, अकेले में पूर्वत्व और स्वघटक उत्तरत्व, ये तभी जाएगा जब दो रहेंगे जहां अवयव, एक में उत्तरत्व और पूर्वत्व व्यवहार नहीं हो पाएगा, तो इतने मात्र के लिए सूत्र है, बाकी सब कुछ है वहां, पाणिनि के अनुसार क्या नहीं है उसमें, स्वघटकावधि को उत्तरत्व नहीं है, स्वघटकावधि पूर्वत्व नहीं है, आदि में और अंत में, इसलिए सूत्र की आवश्यकता है। और वार्तिककार ने क्या किया, आदि अंत के लक्षण से ही उसको हटा दिया, संबंध को दो दो संबंध केवल रखा, क्या रखा उन्होंने, वार्तिककार ने भी ये नहीं सोचा होगा कि मैं जो कह रहा हूं ऐसा कोई व्याख्या करेगा, सोचा होगा क्या ऐसा, ऐसे है तो वही चीज, लेकिन उन्होंने उसको देखिए न्याय में, न्याय की भाषा में उसको बांध के रख दिया, ऐसे बात एक ही है, बात में कोई अंतर नहीं है, कहने का तरीका एक जो है इन्होंने विकसित किया है, लेकिन आगे चलकर इसमें और चीजें हैं जो इन्होंने किया है उसमें और आगे देखना होगा। चलिए पन्ना उलटिए उसको, देखिए अब आगे आया भाष्यकारस्तु इह इत्यादौ, भाष्यकार ने क्या कहा, इह में कथनचित काम चल जाएगा, क्यों, इह में क्या लाना है केवल आपको, नहीं क्या लाना है, आदित्य और अंतत्व व्यवहार करना है, तो उसके लिए तो पाणिनि जी ने क्या कर दिया है, लेकिन इयाय में क्या लाना है हमको, घटितत्व माने समुदायत्व और धुक में क्या लाना है, घटकत्व लाना है ना, तो भाष्यकार कहते हैं घटकत्व घटितत्व एक में कभी नहीं आएगा, इसी में विवाद है मुख्य, अभी वो लक्षण हम लोग पढ़ेंगे, किन नाम घटकत्वम किन नाम घटितत्व, सूत्रकार के अनुसार क्या है, इसको ध्यान से बोलिएगा, सूत्रकार के अनुसार क्या है, एक भी अपना क्या होता है, अवयव होता है, ये जो कह रहे आदि मत कहिए, आदि शब्द नहीं कहना है, क्या कहना है, अवयव होता है लेकिन आदि नहीं बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है, पूर्वत्व और उत्तरत्व नहीं रहता, आदि अंत नहीं बन सकता है, किनके यहां, पाणिनि के यहां, वार्तिककार के यहां क्या है कि स्व स्व का घटक भी होता है और आदि भी होता है, क्योंकि आदि के लक्षण से उन्होंने क्या हटा दिया, पूर्वत्व वाला संबंध हटा दिया, बोलो इसको क्या समझे, सूत्रकार के मत में जो स्वघटक पूर्वत्व नहीं रह पाता, इसलिए क्या मतलब, मतलब उसमें पूर्वत्व भाव रहता है, तो आदि का अभी क्या कह रहा हूं मैं, सूत्रकार के यहाँ स्व स्व का क्या होता है, घटक तो होता है और स्व से स्व घटित भी, और वार्तिककार के यहाँ भी वार्तिककार के दोनों का समान है, घटकत्व घटितत्व, अंतर कहाँ, केवल आदित्व और अंतत्व में अंतर है, बोलो इस चीज को बार बार, पाणिनि के यहाँ और कात्यायनि के यहाँ क्या है, घटकत्व और घटितत्व समान है, अंतर कहाँ आता है, केवल आदित्य और अंतत्व के लक्षण में आता है, भाष्यकार कहाँ अड़ जाते हैं, वो कहते हैं कि एक एक का घटक नहीं बन सकता है, घटक होने के लिए क्या जरूरी है, समुदाय, क्योंकि कहते हैं कि लोक में देखिए घटकत्व घटितत्व व्यवहार कहाँ होता है,
एक से अधिक रहने पर ही होता है। अकेले में यदि कोई व्यवहार है तो आरोपित ही व्यवहार है, वास्तविक व्यवहार नहीं है, भाष्यकार कहते हैं। तो एक जहां रहेगा वो अपना घटक या स्वयं से घटित नहीं हो सकता है, ये किसका कहना है? तब मान लो कि आदि और अंत में तो काम चला लोगे, जहां आदि अंत व्यवहार करना है किसके द्वारा, लेकिन जहां केवल घटकत्व और घटितत्व मात्र लाना है उसके लिए कोई सूत्र आपके पास है नहीं, वार्तिक है नहीं, वहां आप काम नहीं कर सकते हो। तो पाणिनि क्या कहेंगे कि जहां घटकत्व घटितत्व लाना है वहां मेरे यहां किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। वार्तिककार भी क्या कहेंगे, घटकत्व और घटितत्व के लिए हमको कोई जरूरत। आप भाष्यकार क्या कहेंगे कि जो तुम्हारा घटकत्व घटितत्व का लक्षण है वो मुझे मान्य नहीं है। अभी आपने किसका लक्षण केवल देखा है, घटकत्व और घटितत्व का लक्षण नहीं देखा है। तो सूत्रकार और वार्तिककार के यहां जो घटकत्व और घटितत्व का लक्षण होगा वो समान होगा, लेकिन भाष्यकार के यहां जो घटकत्व और घटितत्व का लक्षण है वो उनसे अलग है। वो कहां जाएगा, जब एक से ज्यादा रहेंगे, अकेले में घटकत्व और घटितत्व नहीं जाएगा, उसके लिए कोई सूत्र बनाया नहीं पाणिनि ने, वहां दिक्कत आएगी। इसके लिए क्या करना होगा हमें, जब परिभाषा मान लिया तो उसी परिभाषा से क्या होगा, काम चल जाएगा, सूत्र बनाने की आवश्यकता नहीं। बात समझ में आ गई इतनी। अब घटकत्व घटितत्व क्या है दोनों के मत में अंतर, वो हम नीचे देखेंगे। पहले पैरा पढ़ जाइए, भाष्यकारस्तु इह इत्यादौ कथंचि निर्वाहेपि धुग इत्यादौ असहाये घटकत्वस्य कथमपि संभवेन। क्या समझे, धुक में क्या करना है, क्यों क्या करना है, उसको अवयव एक काच बनाना है ना, तो दूसरा कुछ तो है नहीं, तो घटकत्व लाना है। याय में क्या लाना है, ई में घटितत्व लाना है, अवयवित्व लाना है, लाना है ना, तो ये क्या होगा आपके यहां सूत्र के द्वारा संभव, वही कह रहे हैं। धुग इत्यादि असहाय घटकत्वस्य कथमपि असंभवेन सूत्र वार्तिक कारयो हो अस्थूल दर्शित्वम उपदर्शयन। माने सूत्रकार और वार्तिककार का क्या दिखलाया भाष्यकार ने, अस्थूल दर्शिता को प्रदर्शित करते हुए सामान्यतः परिभाषया दोष निकरम निराकुर्वन। सामान्य परिभाषा मान करके दोष निकरम, मतलब सूत्र मानने से केवल आदि अंत में काम चलेगा, घटकत्व घटितत्व में काम, आप परिभाषा मान लेने से सारे दोष समुदाय दूर हो जाएंगे। इसलिए सामान्यतः क्या किया भाष्यकार ने, परिभाषा माना। अब यहां तक आप लोग क्या समझे, अभी हमें बता दीजिए, तब हम दूसरा पार्ट इसका शुरू करेंगे जो कठिन काम है। अब समुदाय दोष निकरम माने दोष समुदायम निराकुर्वन। परिभाषा मानने से स्वामी जी क्या है, धुक में भी काम चल गया, याय में भी काम चल गया, आभ्याम में भी काम चल गया, ई में भी काम चल गया, और सूत्र मानने से सब जगह काम नहीं चल रहा था। क्या हुआ बोलिए, अब बोलो। सूत्रकार और वार्तिककार के मत में आचार्य जी घटकत्व और घटितत्व समान है। किनके यहाँ, सूत्रकार और वार्तिककार के यहाँ, मतलब एक में भी घटकत्व और घटितत्व रह सकता है, इसके लिए वो लोग चिंता नहीं करते। और भाष्यकार क्या कहते हैं, भाष्यकार एक में नहीं रह सकता, नहीं रह सकता है, तो इसके लिए क्या करना होगा हमें, इसके लिए हमें परिभाषा परिभाषा माननी ही पड़ेगी जी। आज जब परिभाषा मानेंगे तो घटकत्व घटितत्व और आदित्व अंतत्व सब कुछ आ जाएगा जी। उसके लिए सूत्र बनाने की आवश्यकता। अब मुख्य झगड़ा कहाँ है बताओ, कहाँ पर झगड़ा है अब, और घटितत्व क्या चीज है, कि एक में पाणिनि का जो घटकत्व है वो एक में भी चला जाता है, वार्तिककार का जो घटकत्व है वो एक में भी चला जाता है, भाष्यकार का जो घटकत्व है वो एक में नहीं जाता है, या घटितत्व भी पाणिनि के यहाँ और वार्तिककार के यहाँ एक में चला जाता है, भाष्यकार के यहाँ नहीं जाता है। तो इसलिए क्या जानना हमें, अब पाणिनि के अनुसार घटकत्व क्या है और भाष्यकार के यहाँ घटकत्व क्या चीज है, ठीक है। तो चलो अब इसके लिए अब नीचे आ जाइए, बारीक अक्षर में जो लिखा है वहां चलते हम लोग, ठीक है। अत्रेदम तत्वम कहीं दिखा आपको,
अत्रेदम तत्त्वम बारीक अक्षर में 124 पृष्ठ में अंतिम पंक्ति है। आपको विश्वास नहीं होगा, ये हम लोग सब किताब पढ़े टीका पूरी। गुरु जी जब पढ़ाते थे हम लोगों के, तो ऐसा नहीं कि छोड़ के पढ़े हैं टीका, लेकिन हम पूरा नहीं पढ़ाएंगे आपको, जहाँ जरूरी लग रहा है वो केवल बता दे रहे हैं। बाकी आई आदत डालिए, अब धीरे धीरे क्या है ना, थोड़ा थोड़ा हम क्या करेंगे, परिष्कार भी मिक्स करेंगे, करते 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 10-20 दिन एक महीना में परिष्कार का भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हो जाएगा। ठीक है ब्रह्मचारी जी, अब कोई पूछेगा किन नाम आदित्यम, तो क्या बोलेंगे बोलिए। अब बोलिए, स्वघटकत्व, स्वघटक पूर्वत्व भावत्व, स्वघटक अवधिक अवधिक पूर्व उत्तरत्व। हाँ, एतत् त्रितय संबंधेन स्वविशिष्टत्वम स्वांतत्वम। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, इसको धीरे धीरे करेंगे तो हो जाएगा। आई याद करने की भी चीज नहीं है, आप इसमें फेर बदल कर सकते हैं। आप देखिए मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्ट वही शब्द नहीं आएंगे, हो सकता है इधर उधर होगा, लेकिन बिल्कुल ठीक होगा वो, जैसे उसमें लिखा है स्वविशिष्टत्वम स्वनिरूपितांतत्वम। हमने क्या कहा, स्वविशिष्टत्वम स्वांतत्वम, उसमें कोई आपको प्रतिबंध नहीं लगा रहा है। वैशिष्ट्यंच स्वावयवत्व, स्वघटकत्व की जगह क्या कह सकते हैं हम, ये भी कह सकते हैं स्वघटकावधिक पूर्वत्व या स्वघटकावधिक उत्तरत्व या स्वघटक पूर्वत्व, बात एक ही चीज है, बस सही होना चाहिए, इतने में तात्पर्य रहता है वहां। लेकिन आप थोड़ा भी इधर उधर करेंगे, यदि समझ के नहीं बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, आप जान लीजिए। जैसे ब्रह्मचारी जी फिर बोलिए, तो मैं बताता हूँ आपको, स्वघटकत्व है फिर स्वघटक पूर्वत्व और उसका अभावत्व, पूर्वत्व अभावत्व, तो इसको पूरा जोड़ के बोलिए ना, स्वघटकावधिक पूर्वत्वाभावत्व अभाववत्व। क्या होना चाहिए, पूर्वत्व का अभाव वाला होना चाहिए, माने उसमें पूर्वत्व धर्म नहीं रहना चाहिए। तो इसको धीरे धीरे करते करते ठीक हो जाएगा, घबराइए नहीं, आप समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। अब कहते हैं स्वामी जी अत्रेदम तत्त्वम, कहते ये यहां तत्व है, क्या तत्व है, चलिए देखिए। आदित्व अंतत्वे सूत्रकार मते समुदाय घटक जत किंचिन निरूपित पूर्वत्व परत्वयो सत्वेव भवतः इति आभ्याम इत्यादौ केवल अकारे तदसंभवात तदर्थम आद्यंतवत सूत्रारंभ। समझ गए नु, भगवान पाणिनि के यहां आदित्व और अंतत्व कब आएगा, कब आ सकता है, जत किंचिन निरूपित पूर्वत्व रहे और परत्व में ही आदित्व अंतत्व व्यवहार हो सकता है, हो सकता है ना। तो जहां आभ्याम में अकेला है वो क्या होगा, वो पूर्व आदि और अंत, तो इसके लिए क्या करना पड़ा उनको, लेकिन घटकत्व और घटितत्व स्वतः सिद्ध है, इसलिए उन्होंने उसके लिए कुछ किया नहीं, वही कह रहे। देखिए अत्रेदम तत्त्वम आदित्व आदित्वांतत्वे सूत्रकार मते समुदाय घटक जत किंचित निरूपित पूर्वत्व परत्वयो सत्वे, बात समझ गए ना, माने समुदाय घटक निरूपित पूर्वत्व और परत्व जहां रहेगा वहीं क्या बनेगा, आदि और अंत बनेगा। अकेला में समुदाय घटक पूर्वत्व भी नहीं रहेगा और इसलिए आदि अंत व्यवहार, इसलिए पाणिनि को क्या करना पड़ा, सूत्रारंभ करना पड़ा। लेकिन या इत्यादौ केवले ई धातौ एकाज घटितत्वम स्वतः एवेति सूत्रकृतः तात्पर्यम्। लेकिन याय में धुक में क्या है, घटकत्व और घटितत्व क्या है पाणिनि के यहां, इसलिए पाणिनि ने इसके लिए कोई सूत्र, ये सूत्रकार का तात्पर्य है। ठीक है, माने सूत्रकार के मत ऐसे हैं, ये जानिए। अच्छा अब चलिए, अब यहां से शुरू हुआ नई चीज, इसका मतलब सूत्रकार के यहां और वार्तिककार के यहां अकेले में भी क्या रहता है, घटकत्व और घटितत्व रहता है। तब प्रश्न हुआ किन नाम घटकत्वम, घटकत्व क्या चीज है, पहले देखते हैं। तो एक शब्द लिया हमने राम, जहां वास्तव में है राम शब्द लिया नु, तो राम शब्द का घटक कौन है, र, वर्ण से घटित कौन है, राम, बोलो इसके बार बार, राम शब्द के घटक कौन कौन है, र आ म अ, र से घटित कौन है,
राम, आ से घटित कौन है और म से घटित कौन है, उसी तरह अ से घटित कौन है ना, बोलिए फिर से। ये सब घटक है, अवयव है, और घटित कौन है, एक एक अवयवों से घटित समुद्र, सबको पकड़ के कर सकते हैं, रकार घटित, आकार घटित, मकार घटित, अकार घटित, राम शब्द। उसी तरह से राम शब्द घटक रेफ, राम शब्द घटक आकार, राम शब्द घटक मकार, राम शब्द घटक अकार, कह सकते हैं ना, बात समझ में आई। मतलब राम के र में क्या है, घटकत्व है, और राम में क्या है, घटितत्व है। तो कहा किन नाम घटकत्वम, ये प्रश्न हुआ, ठीक है। तो उसके लिए भी कहिए स्वविशिष्टत्वम स्वघटकत्वम, क्या कहेंगे, स्व से जो विशिष्ट होगा वो स्व का घटक होगा, क्या होगा, जो स्वविशिष्टत्वम, फिर बोलिए। तो अब स्व से किसको पकड़ेंगे, कौन बताएगा। हाँ बिल्कुल, कुछ भी दिक्कत नहीं है। स्व मतलब जिसका घटक बनाना है, स्व राम शब्द, उससे विशिष्ट है रेप, इसलिए क्या है उसका, वो घटक है। वैशिष्ट्यंच स्वव्यापकत्वम, वैशिष्ट क्या, बस एक ही वैशिष्ट दिया, क्या होना चाहिए, स्व का जो व्यापक है वो स्व का घटक है, क्या होना चाहिए, जाएगा कि नहीं। देखिए जहां जहां राम शब्द है वहां वहां र रहेगा कि नहीं, देखिए जहां जहां र रहेगा वहां वहां राम शब्द रहेगा, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अवयव क्या होते हैं, व्यापक होते हैं, और अवयवी क्या होता है, ये विचित्र लगता है ना, आप गौर से देख लीजिए, जहां जहां राम शब्द है अवश्य कौन रहेगा, र रहेगा, लेकिन जहां जहां र रहेगा जरूरी नहीं है कि राम शब्द रहेगा, है जरूरी। तो देखो घटकत्वम क्या चीज है, स्वविशिष्टत्वम, बोलिए, वैशिष्ट्यंच स्वव्यापकत्वम, मतलब स्व का जो व्यापक होगा वही क्या होता है, स्व का घटक होता है, क्या होता है, इसको बार बार बोलिए। अच्छा स्वविशिष्टत्वम स्वघटितत्वम, घटितत्व का लक्षण क्या है, वहां क्या देंगे, वैशिष्टंच स्वव्याप्यत्वम, स्व से जो व्याप्य होगा वो स्व का घटित होगा, क्या होगा, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब जो व्यापक होता है वो अवयव होता है, और जो उससे व्याप्य होता है उसका अवयव ही होता है, ये दिख रहा है कि नहीं आपको। जैसे देखिए घट शब्द है, घट शब्द क्या है, घटित है, किससे घटित है, तो घ घ व्यापक है कि घट व्यापक है, क्यों, क्योंकि घट के अलावा भी घ रहता है, लेकिन घ को छोड़ करके कभी घट नहीं रह सकता है दुनिया में, रह सकता है क्या, इसलिए जो व्याप्य होता है वो घटित होता है, और जो व्यापक होता है वो। लेकिन अब एक चीज गौर करिएगा, धूम और बहिनी जो होता है ना, इसमें धूम क्या है, धूम क्या है, इसमें धूम क्या है, नहीं ये हर जगह व्याप्य व्यापक घटक ही होगा, जरूरी नहीं है, यहां भी केवल व्याप्य व्यापक के लिए पूछ रहा हूं। धूम और बहिनी में क्या होता है, धूम क्या है और बहिनी क्या होता है, अच्छा ये जो व्याप्य व्यापक भाव लेते हैं उसका कोई अधिकरण होता है ना, व्याप्य व्यापक भाव किनका होता है, जो एक अधिकरण में रहते हैं, क्या रहते हैं, जो व्यापक व्यापक व्याप्ययो हो ऐकाधिकरण्यम आवश्यकम सामानाधिकरण्यम आवश्यकम, ययो हो सामानाधिकरण्यम नास्ति तयो हो व्याप्य व्यापक भावो नास्ति, ये जाने रहिएगा। जो एक अधिकरण में नहीं बैठते हैं वो कभी एक दूसरे के व्याप्य और व्यापक नहीं बनते हैं। व्याप्य और व्यापक बनाने के लिए क्या जरूरी है, एकाधिकरण में रहना। अब आपके लिए थोड़ा कठिन काम है, लेकिन आप चूंकि पढ़ चुके हैं, आप देखिए रेफ को क्या बनाना है, व्यापक, और राम को क्या बनाना है, व्याप्य, तो दोनों का अधिकरण क्या होगा, एक होगा, क्या होगा,
तो दोनों का अधिकरण क्या है आपके अनुसार? राम शब्द क्या भी, तो दोनों का अधिकरण कोई एक बनाना हमें, र का भी अधिकरण कोई है और राम शब्द का भी अधिकरण वही है, ऐसा अधिकरण खोजना है कोई। चलिए आकाश को भी मत पकड़िएगा, दोनों का अधिकरण आकाश है, उसको भी छोड़ देना है। अब इसका अधिकरण जो बात समझ रहे हैं, एक शब्द हमने सिखाया था कि व्याप्य, इसको लिखिए पहले, लिखते चलिए, लिखा भी आपकी किताब में से, लेकिन लिखते चलिए, व्याप्य जिस संबंध से अधिकरण पर रहता है वह संबंध व्याप्यता का अवच्छेदक कहलाता है। अच्छा आगे लिखिए, जिस संबंध से व्यापक अपने अधिकरण पर रहता है वह संबंध व्यापकता का अवच्छेदक कहलाता है। ये बात समझ में आई? अब चलिए धूम और बहिनी में हम देखते हैं, धूम अपने अधिकरण में किस संबंध से रहता है, अपने अधिकरण पर किस संबंध से रहता है, धूम क्या चीज है? संबंध बताने से पहले उस वस्तु को जानना जरूरी होता है, वो किस चीज में आता है, वो धूम क्या चीज है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष में क्या है? मेघदूत पढ़े थोड़ा बहुत है? केवल कहानी सुने हैं। चलिए धूम क्या चीज है, ऐसे आपके अनुसार क्या लग रहा है धूम क्या है? द्रव्य ही तो है, द्रव्य है ना, तो द्रव्य जो है मानस में, कि मानस भी द्रव्य है, पर्वत भी द्रव्य है, क्या संबंध होगा दोनों का? द्रव्य द्रव्य का क्या संबंध होता है, क्या संबंध है? संयोग संबंध होता है। आग का भी क्या संबंध है पर्वत के साथ? संयोग। ठीक है, तो चत्वर गोष्ठ महानस ये सब धूम और बहिनी के अधिकरण है। क्या है? तो धूम अपने अधिकरण पर किस संबंध से बैठता है? संयोग संबंध से। तो संयोग संबंध क्या है? व्याप्यता का अवच्छेदक है। बहिनी भी अपने अधिकरण पर किस संबंध से बैठता है? इसलिए संयोग संबंध क्या है? व्यापकता का अवच्छेदक है। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए यहां व्याप्य कौन है? राम शब्द, और व्यापक कौन है? र। दोनों का अधिकरण जो इन्होंने बनाया है ज्ञान को बनाया है। किसको बनाया है? चलिए बोलिए रामः। ये सुनने के बाद श्रावण प्रत्यक्ष हुआ ना आपको? किसका किसका प्रत्यक्ष हुआ है ये बताइए। अरे वाह बेटा वाह, राम का भी हुआ है र का भी हुआ है, मतलब एक ही ज्ञान के विषय दोनों हैं। क्या है दोनों? जो ज्ञान हुआ हमको सुनाई दिया, उस ज्ञान का विषय र भी है और राम भी है। ठीक है, तो इस ज्ञान को मान लीजिए ज्ञान है, इस ज्ञान को क्या बना दिया? अधिकरण। इसी ज्ञान के ऊपर बैठा दिया र को भी और राम को भी बैठा दिया। राम मतलब व्यक्ति नहीं, राम शब्द को, राम शब्द को भी कहां बैठाया? ज्ञान में। और र को भी कहां बैठाया? माने र का अधिकरण और राम का अधिकरण किसको बना दिया? ज्ञान को बना दिया। तो ज्ञान में किस संबंध से बैठेगा वो? अरे वाह, इतना तो जान गए तुम लोग, अब कोई दिक्कत नहीं है। यहां व्यापकता अवच्छेदक संबंध, तब बोलो ना, बोलो तो एक समय, फिर डरते क्यों बताओ तो क्या होगा? माने विषयित्व संबंध ही व्यापकता अवच्छेदक भी होगा और विषयित्व संबंध ही व्याप्यता अवच्छेदक होगा। ठीक, अब आइए थोड़े परिष्कारों की दुनिया में आते हैं एक बार। ये तो सिंपल चीज है, व्याप्य अपने अधिकरण पर जिस संबंध से बैठता है वो क्या होगा? व्याप्य, इसीलिए पहले लिखा दिया था, वो व्याप्यता अवच्छेदक कहलाता है। व्यापक अपने अधिकरण पर जिस संबंध से बैठता है वो क्या होता है? व्यापकता अवच्छेदक होता है। और व्याप्य और व्यापक दोनों अपने अधिकरण पर किस संबंध से बैठ रहे हैं? इसलिए दोनों जगह व्याप्यता अवच्छेदक संबंध भी विषयित्व और व्यापकता अवच्छेदक संबंध भी। अब चलिए धूम और बहिनी क्या है? एक दूसरे के
व्याप्य व्यापक है। धूम में क्या रहेगी, बहिनी में क्या रहेगी, व्याप्यता का अवच्छेदक संबंध कौन है और व्यापकता का अवच्छेदक संबंध कौन है, तो ऐसा बोल सकते हैं हम, समवाय संबंधावच्छिन्ना धूम निष्ठा या व्याप्यता तादृश व्याप्यता निरूपिता, समवाय संबंधावच्छिन्ना या व्यापकता तादृश व्यापकतावान बहिनी, बोल सकते हैं कि नहीं, बोल सकते हैं ना, क्यों बोल सकते हैं, लिखो इसको एक बार, लिखो ये, लिखते चलिए रटते चलिए, इसका अभ्यास करिए बार बार, लिखिए इसको, समवाय संबंध, अभी तो बाकी चीजें छोड़ दिया हूं मैं, उतना ही लिखा है जितनी जरूरत है, यहां यही चीज अभी आएगा सेम, समवाय संबंधावच्छिन्ना धूम निष्ठा या व्याप्यता तादृश व्याप्यता निरूपिता, कौन सा संबंध डाले हम लोग, हाँ नहीं समवाय नहीं, संयोग डालिए, संयोग समवाय नहीं डालना, संयोग संबंधावच्छिन्ना धूम निष्ठा या व्याप्यता तादृश व्याप्यता निरूपिता, संयोग संबंधावच्छिन्ना या व्यापकता तादृश व्यापकतावान बहिनी, बिल्कुल ठीक है ना, कोई दिक्कत है इसमें, क्यों ठीक है ईसु जी, धूम क्या है, धूम क्या है, व्याप्य है ना, तो उसमें क्या रहेगी, व्यापकता रहेगी, वो किससे अवच्छिन्न होगी, किस संबंध से, संयोग संबंध अवच्छिन्ना, क्यों, क्योंकि धूम अपने अधिकरण पर किस संबंध से बैठता है, ठीक, उस व्याप्यता से निरूपित व्यापकता कहां है, बहिनी में, व्यापक बहिनी है ना, तो उसमें क्या रहेगी, और वो व्यापकता भी किससे अवच्छिन्न है, चलिए प्रकृति में आइए, यहां रेप का अधिकरण कौन है, ज्ञान, राम का अधिकरण कौन है, रेप क्या है, व्यापक है, और राम क्या है, तो रेप में क्या रहेगी, व्यापकता, राम में क्या रहेगी, अच्छे व्याप्यता अवच्छेदक और व्यापकता अवच्छेदक संबंध क्या है यहां पर, यहां क्या बोल सकते हैं उसको एक बार बोलिए उल्टा, विषयित्व संबंधावच्छिन्ना रेप निष्ठा या व्यापकता तादृश व्यापकता निरूपिता, विषयित्व संबंधावच्छिन्ना या व्याप्यता तादृश व्याप्यतावान राम शब्द, उल्टा करके बोले तो कैसे बोलेंगे, व्याप्यता की तरफ से चलिए उधर, अरे यही यही पर बोलिए, बोलिए ना, संबंधावच्छिन्ना राम शब्द निष्ठा तादृश व्याप्यता निरूपिता विषयित्व संबंधावच्छिन्ना या व्यापकता तादृश व्यापकतावान रेफ, बोल सकते हैं ना, बात समझ में आई, ये समझ में आया आपको, अब ये बात अब यहां से समझेंगे हम क्या है, चलिए अब आइए अब ग्रंथ पढ़ते हैं, इतनी बात यदि समझ गए तो ये पढ़ने में आसान रहेगा, चलिए घटकत्वंच सूत्रकृन्मते स्वनिष्ठ विषयित्व संबंधावच्छिन्न व्याप्यता निरूपित विषयित्व संबंधावच्छिन्न व्यापकता आश्रयत्वम, यही स्वघटकत्व है, क्या करना है बोलिए, अब देखिए राम शब्द का घटक किसको बनाना है, रेप को बनाना है ना, अब मैंने जो कहा आप सीधा पकड़ के चलिए, स्वम राम शब्द उसमें क्या रहेगी, व्याप्यता, वो किस संबंध से अवच्छिन्न होगी, तो चलो देखो विषयित्व संबंधावच्छिन्ना स्वनिष्ठा मतलब राम शब्द निष्ठा या व्याप्यता तादृश व्याप्यता निरूपिता विषयित्व संबंधावच्छिन्ना या व्यापकता तादृश व्यापकता आश्रय कह, व्यापकता आश्रयत्वम कुत्र, तदेव घटकत्वम, हर जगह जहां ले जाना लेके जाओ कहीं भी देखो, अब घट शब्द का अवयव किसको बनाना है, घकार को, तो घट शब्द क्या है, व्याप्य है, और घ क्या है, कैसे ज्ञान को लेके बनाया ना हमने, घटाइए इसमें, घटकत्व क्या चीज है, तो उसका लक्षण बना दिया, स्वनिष्ठ विषयित्व संबंधावच्छिन्न व्याप्यता निरूपित विषयित्व संबंधावच्छिन्न व्यापकता आश्रयत्वम स्वघटकत्वम, घट जाएगा कि नहीं, घट में घटाओ, स्वम घट शब्द तन्निष्ठा या किन संबंधावच्छिन्ना आ तादृश व्याप्यता निरूपिता विषयित्व संबंधावच्छिन्ना व्यापकता कुत्र कुत्र अस्ति है ना, व्यापकता आश्रयत्वम कुत्र, घकारे टकारे चला जाएगा ना,
ये सब अवयव कहलाएंगे। इसी का अब उपपादन आगे कर रहे हैं। ये घटा लोगे, घटाओ एक देखे, वो घटक है। आप व्याप्यता का जो आश्रय है वो घटित है। तो अभी हम किसका ले जा रहे हैं, घटक का। तो हमेशा स्व से किसको पकड़ेंगे, शब्द को। तो एक बार घटाओ तो स्वम, स्वम घट शब्द तन्निष्ठा या व्याप्यता। किन संबंधावचिन्ना, विषयित्व संबंधावचिन्ना या व्याप्यता। तादृश व्याप्यता निरूपिता विषयित्व संबंधावचिन्ना या व्यापकता। तादृश व्यापकता आश्रय आश्रय घकार। व्यापकता आश्रयत्वम घकारे तदेव घटकत्वम। ये जो व्यापकता आश्रयत्व है उसमें वही घटकत्व चीज है। देखो घटा लिया ना, कितना बढ़िया घटा रही है। तो आगे जितनी बातें मैं कहा हूं आपको समझाने के लिए, वो सब चीज अब लिख रहे हो क्रम से। आगे कुछ भी नहीं है, आगे जो मैंने आपको कही है वो सारी चीजें इसमें विवरण में लिख रहे हो। अब देखिए आगे, हाँ चलो आगे क्या है, कहां पर हम लोग थे, सूत्र कृण मते स्वनिष्ठ विषयित्व संबंधावच्छिन्न व्याप्यता। स्वनिष्ठ से किसको पकड़ना है, विषयित्व को नहीं पकड़ना है, किसको पकड़ना है, व्याप्यता में ले जाना है, ठीक है ना। किम संबंधावच्छिन्ना, हाँ ऐसे जाने रहना। स्वनिष्ठ विषयित्व संबंधावच्छिन्न व्याप्यता निरूपित विषयित्व संबंधावच्छिन्न व्यापकता आश्रयत्वम एवं स्वनिष्ठ विषयित्व संबंधावच्छिन्न व्यापकता निरूपित विषयित्व संबंधावच्छिन्न व्याप्यता आश्रयत्वम घटितत्वम। उल्टा कर लो तो घटितत्व आ जाएगा, आ जाएगा ना, बात समझ में आ गई। चलो स्वपदेन यन निरूपिते घटकत्व घटितत्वे चिकित्सिते तस्य ग्रहणम। क्या समझे, जिसका घटक बनाना है उसको स्वपद से पकड़ो, या जिससे घटित बनाना है उसको स्वपद से पकड़ो। क्या समझे, घटित के लक्षण में स्वपद से किसको पकड़ना, घटक को, रेप को, और जब घटक का लक्षण ले जाना तो किसको पकड़ना, राम को। बात समझ में आ गई, क्लियर बिल्कुल। जब व्याप्य से व्यापक की तरफ जाते और व्यापक से व्यापक व्याप्य की तरफ आते, तब दोनों तरफ निरूपित निरूपित ऐसा शब्द डालते हैं। क्यों डालते हैं, इसमें कोई दिक्कत, यदि गुरुत्व शिष्यत्व से निरूपित है तो शिष्यत्व भी गुरुत्व से निरूपित, तब व्यापकता किससे निरूपित होती है, व्याप्यता से, और व्याप्यता किससे निरूपित होती है, व्यापकता से। और निरूपक इनका क्या रहेगा, निरूपक, अब निरूप जाने के जो तरीका है हमारा, निरूपक भी कह सकते हैं, इसमें कहने में कोई दिक्कत नहीं है, कह सकते हैं, कहना चाहे तो कह लीजिए, वो कोई रोक नहीं रहा आपको। व्यापकता निरूपक जो व्याप्यता, या निरूपित जो व्याप्यता, दोनों व्यवहार कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। जैसे कहा गया कि मातृत्व किससे निरूपित है, पुत्रत्व से, और पुत्रत्व किससे निरूपित है, आप पुत्रत्व का निरूपक कौन है, मातृत्व, मातृत्व का निरूपक कौन है, पुत्रत्व। तो कहना चाहे तो कह लीजिए, कहने में थोड़ा अच्छा लग रहा है, निरूपक डाल देंगे तो थोड़ा उतना सुनने में सुंदर नहीं लगेगा, बात इतनी है, शब्दों के जानने के लिए पूछा, बस और कोई दिक्कत नहीं, डाल सकते हैं आप, मेरे ओर से कोई दिक्कत नहीं है, और इनकी ओर से बस क्या करते, परिष्कारों में भी क्या है, देखिए साहित्य सबको प्रिय होता है ना, सबके बाद भी लालित्य देखते हैं कि जो हम शब्द लिख रहे हैं तो उसमें लालित्य है कि नहीं, सौंदर्य है कि नहीं, जो श्रोता है उसको कुछ सौंदर्य, केवल ये तात्पर्य नहीं होता है ग्रंथकार का कि मैं लिख रहा हूँ आप समझ गए, अपनी कृति को कितना सुंदर वो बना सकता है, हर कलाकार यही कोशिश करता है। तो जैसे एक मूर्तिकार मूर्ति को जब डिजाइन करता है उसको रंग देता है, वैसे ही जब कोई टीका टिप्पणी किताब लिखता है तो उसको भी शब्दों का रंग देता है, वो प्रयास करता है कि वो शब्द ऐसे हो जो सुनने में अच्छा लगे, कटु न लगे। जैसे मूर्ति देखने में अच्छी लगती है ना, वैसे इसको सुनने में अच्छा लगना चाहिए, एक प्रयास होता है हर व्यक्ति का। वो कहे ना, भाष्यकार देखिए क्या ऐसे थोड़े लिखा गया है, भाष्यकार ने बहुत उसमें सोच के लिखा होगा, आप देखिए कितना रंग भरा है, आप आम भाषा को पढ़िए उसको पढ़िए। तो ये तो गीता है, गीता का महत्व क्यों है, देखिए विषय के साथ तो ये है महत्व अपना, क्योंकि जीवंत विषय है, शाश्वत विषय है उसके, क्योंकि साहित्य दो तरह का हमेशा होता है, एक तो समसामयिक होता है और एक शाश्वत होता है। तो गीता को साहित्य की दृष्टि से देखेंगे तो शाश्वत साहित्य है, माने उन मूल्यों का वर्णन है जो जब तक आत्मा जीव मन रहेगा तब तक उनकी जरूरत है। लेकिन जब आप शाकुंतलम पढ़ते हैं, चांदनी नाटक पढ़ते हैं, तो लोग कहते हैं अरे
ये तो किस जमाने में ला दिया मुझे, है कि नहीं, तो जमाने की बात नहीं, ठीक है। वह साहित्य उसमें भी कुछ अंश ऐसे हैं जो शाश्वत है, तो वो अंश आज भी चल रहे हैं, उसकी महत्ता आज भी है। बाकी लकड़ी उकड़ी का वर्णन कम ही होता है थोड़ा बहुत, है कि नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो आज भी काम के लायक हैं उसके। इसीलिए कालिदास ने एक काम किया है, आप देखिए मेघदूत में केवल मेघदूत का वर्णन नहीं है, हर पंक्ति के श्लोक के अंत में देखिएगा एक लिखा है चीज, याच्या मोघा वरम अधिगुणे नाद में लब्ध कामा कामारता ही प्रकृत कृपणास चेतना चेत। अंतिम पंक्ति हर जगह दिया है, मेघ से प्रार्थना करता है और उसकी खूब प्रशंसा करता है कि भाई इसलिए मैं नहीं तुमसे कह रहा हूँ, तुम्हारा कुल बहुत उन्नत है और तुम जो है हमारा काम कर सकते हो, और मान लो कोई अधम व्यक्ति है काम कर भी सकता है तो भी उससे याचना करना ठीक नहीं है। याच्या मोघा वरम अधिगुणे नाद में लब्ध कामा, कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है नहीं भी कुछ देता है तो याचना कर लेनी चाहिए, लेकिन अधम व्यक्ति कुछ दे भी दे तो भी याचना उसके सामने नहीं करना चाहिए, तुम तो श्रेष्ठ हो इसलिए तुमसे याचना कर रहा हूँ, मेरा काम करो या न करो कोई बात नहीं। फिर आगे पंक्ति देखिए, है तो वर्णन वहाँ लेकिन ये नहीं है, लिखता है धूमत ज्योति सलील मरुताम सन्निपातक को मेघा। मेघ क्या चीज़ है, धूम ज्योति सलील इनका सन्निपात है, और संदेश कौन पहुंचाता है, पटुकरणई जो चेतन है जिसकी इंद्रियां दक्ष हैं, तो मैं क्यों इसके सामने रो रहा हूं। काली कवि कह रहा है भाई इसके सामने मेघ को दूत बनाना है तो ठीक बात नहीं है ना, दूत तो किसी चेतन को बनाना चाहिए, लेकिन कहा कोई बात नहीं, कामार्ता ही प्रकृति कृपणास चेतना चेतने से, काम से जो अर्थ हो गया उसको विवेक कहाँ रहता है। भगवान राम जैसा व्यक्ति कहते हैं, वो तुलसीदास ने लिखा है ना कि क्या लिखा है उसमें, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, उन्होंने वर्णन करते समय लिखा है, वो पेड़ पौधों से पूछते हैं। वाल्मीकि में भी कुछ लिखा है, एक आया है वहाँ बहुत अच्छा पद्य है कहीं वाल्मीकि का है कि किसी कवि काव्य में लिखा है, सीता के न नीता व गता के न दृष्टा, बहुत अच्छे पद्य वहाँ है, इतने सुंदर सुंदर पद्य आए हैं, तो ये सब चीज़ें हर कवि करते हैं। चलिए आगे क्या है, अच्छा अब चलिए, अब आपके ज्ञान वर्धन के लिए बहुत कुछ बता रहे हैं साथ में, क्या शब्द आ गया था, स्वनिष्ठ व्याप्यता निरूपित व्यापकता आश्रयत्वम स्वघटकत्वम, संबंध यदि हटा दे तो इधर से क्या कहेंगे, स्वनिष्ठ व्यापकता निरूपित व्याप्यता आश्रयत्वम घटितत्वम, यही ना है, तो इसमें क्या जरूरी हो गया जानना, अब व्यापकत्व क्या चीज है, व्याप्यत्व क्या चीज है, तो कहा व्यापकत्व नाम स्वाधिकरण क्या है, बोलिए अप्रतियोगित्व में दिया इतना ही, जैसे बताइए एक दिन लिखा है था ना, जैसे धूम और बहिनी है, व्यापक किसको बनाना है, तो व्यापक के लक्षण में स्वपद से किसको पकड़ना है, व्याप्ति को, स्वम धूम तद अधिकरणम चत्वर गोष्ठ महानसम तद वृत्ति अत्यंताभाव घटो नास्ति पटो नास्ति जलम नास्ति इति प्रतीति साक्षी का अत्यंताभाव, इस अत्यंताभाव का प्रतियोगी कौन होगा, घटपट जल, और अप्रतियोगी कौन होगा, बहिनी, अप्रतियोगित्व किसमें जाएगा, इसलिए वो व्यापक है, ठीक है। बताइए स्वम धूम तद अधिकरणम महानसम तद वृत्ति अत्यंताभाव घटो नास्ति पटो नास्ति जलन नास्ति इति प्रतीति साक्षी का घटात्यंताभाव जलात्यंताभाव पटात्यंताभाव, ये मिल सकता है ना, इस अत्यंताभाव का प्रतियोगी कौन होगा, घटपट जल, अप्रतियोगी कौन होगा, बहिनी, अप्रतियोगित्व तो किसमें जाएगा, यही व्यापकत्व, ठीक है। तो बहिनी क्या है, व्यापक है, कहिए यीशु जी बोलिए, इससे भग नहीं सकते हैं आप, इसलिए करना ही पड़ेगा, शास्त्र पढ़ना है तो, आप चाहे कि इससे भाग के हम पढ़ ले नहीं होगा, भागने से काम नहीं चलेगा, लड़ना ही पड़ेगा यहाँ, ठीक है ना, बोलिए। अब जब आ ही गए कुरुक्षेत्र में तो लड़ना तो पड़ेगा नहीं
हाँ कलयुग है तो भाग जाओगे छोड़ के? देख रहे हैं स्वामी जी, कह रहे कलयुग है ये तो नहीं, नहीं लेकिन यहाँ कलयुग का प्रभाव नहीं है अभी, ठीक है, यहाँ तो लड़ना ही होगा आपको। बोलिए स्वम अधिकरणम जो व्याप्य उसको स्व से पकड़िए, स्वम धूमः तद अधिकरणम मानस चत्वर गोष्ठ महानसम तद वृत्ति अत्यंताभाव जल जलम नास्तीति प्रतीति साक्षिका जलात्यंताभाव। बोलिए जलम नास्तीति प्रतीति साक्षिका अत्यंताभाव जलात्यंताभाव तादृश अत्यंताभाव से प्रतियोगी जलत्वादि जलम अप्रतियोगी बहिनी अप्रतियोगित्वम बहनौ। अतः बहिनी में यही क्या है, व्यापकत्व है, ठीक है। व्याप्यत्व क्या चीज है, हम स्वभावद अवृतित्वम क्या है, स्वम बहिनी उसका अभाव वाला कौन है जलहर्द जलाशय, उसमें वृत्ति कौन है अवृत्ति कौन है धूम है, अवृत्तित्व कहां चला जाएगा यही व्याप्य है, ठीक है। बोलिए स्वम बहिनी तद अभाव बहिन्य भाव तादृश अभाववान कह जलाशय तद वृत्ति कह मीनादि ही वृत्तित्व मीनादौ अवृत्ति ही धूम अवृत्तित्व धूमे इदमेव व्याप्यत्व। बात समझ में आई, चलिए अब प्रकृति में आते हैं, प्रकृति में आइए। यहां अधिकरण कौन है, यहां अधिकरण किसको बनाया ज्ञान को, व्याप्य किसको बनाना है राम को, व्यापक किसको बनाना है र को। चलिए स्वम राम तदाधिकरणम विषयित्व संबंधेन राम इति ज्ञानम, क्या बोलेंगे राम इत्याकारक ज्ञान में विषयित्व संबंधेन कौन बैठा है राम शब्द, उस ज्ञान में विषयित्व संबंधेन रेपो नास्ति, यह भाव मिलेगा क्या मिलेगा घकारो नास्ति, ये मिल सकता है, मिल सकता है ना। तादृश अत्यंता भाव का प्रतियोगी कौन होगा घ, अप्रतियोगी कौन होगा र, अप्रतियोगित्व तो कहां जाएगा र में, इसलिए र क्या है व्यापक है, ठीक है। और व्याप्यत्व भी उसमें चला जाएगा, उल्टा चलिए स्वम रेफा तद अभाववान कौन होगा घट इत्याकारकं ज्ञानम, है ना, उस ज्ञान में विषयित्व संबंधे न राम रहेगा रहेगा नहीं रहेगा, अवृत्ति है ना तो अवृत्तित्व तो चला जाएगा। ये बात समझ में आ जाएगी कोई दिक्कत है बताइए, तुम बोलो इसको। राम शब्द में रेफ को व्यापक बनाना है और राम को व्याप्य बनाना है, तो स्वभाववत वृत्तित्वम एव व्यापक व्यापकत्वम, तो स्व से लेंगे स्वभाववत अवृत्तित्वम व्यापकत्वम व्याप्यत्वम व्याप्यत्वम स्वभाववत वृत्तित्वम व्याप्यत्वम, तो स्वम स्व से रेफ को लेंगे और उसका अभाव अभाव वाला अधिकरण कौन हो गया घटपट आदि जिसमें रेफ इत्याकारकं ज्ञानम, ज्ञान को पकड़ना है, उस ज्ञान में क्या नहीं है रेफ नहीं है, रेफ नहीं है ये दिखाना है, रेफा भाववद जो अधिकरण ज्ञान है उसमें क्या नहीं है क्या दिखलाना है, व्याप्य किसको बना रहे हो राम शब्द को राम शब्दो नास्ति, घट शब्द तो रहेगा क्या नहीं रहेगा वहां पर राम शब्द नहीं, तो अवृत्ति कौन हुआ राम शब्द अवृत्ति तो किसमें चला गया राम शब्द राम में, तो व्याप्य हो गया। और व्यापक बनाओ इसको रेप को कैसे बनाएंगे, स्वम राम शब्द तदधिकरणम ज्ञान राम इत्याकारकं ज्ञानम, उस ज्ञान में किसका अभाव मिलेगा घकारो नास्ति पकारो नास्ति, अत्यंता भाव का प्रतियोगी कौन होगा घकार पकार, अप्रतियोगी कौन होगा रेप, अप्रतियोगी चला जाएगा। तो देखो हो गया नवे, बोलो आगे वही लिख रहे हैं, अब पढ़िए किताब पढ़िए देखिए। चलिए स्वपदेन यन निरूपिते घटकत्व घटितत्व चिकित्सिते तस्य ग्रहणम स्वाधिकरण वृत्ति अत्यंता भावा प्रतियोगित्वम व्यापकत्वम स्वाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभावत्वम व्याप्यत्वम, ये थोड़ा अलग करके लिखा इन्होंने, समझ गए आप क्या
वही चीज है जो मैं बोला हूं ना, मैंने बोला है स्वभाववद, इन्होंने क्या लिख दिया है स्वभावाधिकरण। एक चीज है कि अलग अलग चीज है? एक ही चीज है, ठीक है चले। इन्होंने शब्द दे दिया है वृत्तित्वाभाव, हमने क्या बोला है अवृत्तित्वम, दोनों क्या चीज है? एक ही चीज है, बल्कि मैंने जो कहा वो सरल है, वैसा याद करिएगा तो अच्छा रहेगा, एक ही चीज, कोई अंतर नहीं है। व्यापक लक्षणे स्वपदेन व्याप्यो ग्राह्यः, ये तो कहते आ रहा हूं, व्याप्य लक्षणे च स्वपदेन व्यापकस्य ग्रहणम, ठीक है। अब हमने एक शब्द लिखाया था व्याप्यता अवच्छेदक संबंध, और वही चीज लिख रहे हैं जेन संबंधेन वृत्तिता। देखो देखिए क्या है, येन संबंधेन वृत्तिता स संबंधो व्याप्यता अवच्छेदकः अधिकरणता च यत् संबंधावच्छिन्ना सच व्यापकता अवच्छेदकः संबंधः, ठीक है बात समझ में आई। माने जिस संबंध से व्याप्य रहता है और व्यापक रहता है वो संबंध क्या होते हैं? व्याप्यता अवच्छेदक और व्यापकता अवच्छेदक होते हैं। यहां पर अधिकरण किसको बनाना है? तो विषयी ज्ञानम, ठीक है, विषय पदार्थ सच पदार्थ विषयित्व संबंधेन कुत्र तिष्ठति ज्ञाने इति, विषयित्व संबंधो अवच्छेदक, अवच्छेदक मतलब व्याप्यता अवच्छेदक व्यापकता अवच्छेदकस्य एवञ्च विषयित्व संबंधेन रेफा भाव अधिकरणम पटः इत्याकारकं ज्ञानम। क्या होगा बोलो? विषयित्व संबंधेन रेफा भाव का अधिकरण कौन ज्ञान होगा? पटः इत्याकारकं ज्ञानम, उसमें अवृत्ति कौन है? राम शब्द। अवृत्तित्व कहां चला गया? इसलिए व्याप्य है, ठीक है ब्रह्मचारी जी। इत्याकारकं ज्ञानम तन निरूपित वृत्तित्वम पटे अवृत्तित्वम राम शब्दे इति लक्षण समन्वय कर लेंगे न। अच्छा स्वम राम शब्द विषयिता संबंधेन तद अधिकरणम राम इति ज्ञानम तद वृत्ति अत्यंता भावो घटो नास्ति पटो नास्ति इत्याकारक घटपटादि अत्यंता भाव तत्प्रतियोगित्वम घटपटादौ अप्रतियोगित्वम रेफे इति लक्षण समन्वय कर लोगे न, बात समझ में आ गई। एवं असहायेपि जहां अकेला अ है वहां भी ये लक्षण चला जाएगा, क्यों? अ अ का व्याप्य भी है और अ अ का क्यों, जब भी अ इत्याकारक ज्ञान रहेगा तो क्या रहेगा वहां पर? अ रहेगा ही, क्या रहेगा? घटाओ जैसे स्वम कौन हुआ? अ आत्तद अधिकरणं ज्ञानम अ इत्याकारकं ज्ञानम तद वृत्ति अत्यंताभाव किसका मिलेगा? रेफो नास्ति आकारो नास्ति नहीं मिलेगा, तो अप्रतियोगित्व तो चला गया ना उसमें, तो अ अ का क्या हो गया? व्यापक हो गया, तो व्यापक हो गया तो घटक हो गया, घटकत्व लाने के लिए कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करना। उसी तरह से स्वम अ तद अभाव, तद अभावाधिकरण ज्ञान कौन होगा? र, उसमें उसमें वृत्ति कौन होगा? र, अवृत्ति कौन होगा? अ, अवृत्तित्व चला जाएगा तो व्याप्यत्व भी चला जाएगा, तो एक में घटकत्व घटितत्व दोनों रहेगा। इसलिए पाणिनि के मत में असहाय में घटकत्व भी है घटितत्व भी है, उसके लिए अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए पूरा हो गया, कल और इसको देखेंगे। इससे लाभ हुआ आप लोगों को, मुझे जो लगा अभी, और ऐसा नहीं थोड़ी थोड़ी आदत डाली जाएगी तो आप अब कर लेंगे, इसलिए अभी आदत डालनी है। परिष्कार जगह जगह जहाँ छोटे छोटे आएंगे वो भी पढ़ना, कल अब मूल ग्रंथ पढ़ेंगे, इसका थोड़ा पढ़ करके और आगे परिभाषा पढ़ेंगे, दो परिभाषाएं कल, लेकिन इसको चलिए।